हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं अमित सादर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले कि अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हो एंड कलकत्ता में बहुत सारे हॉस्पिटल है जिसमें आप फ्री में विजिट कर सकते हो। आप अगर किसी भी एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है एंड 6 से 7 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। आप अगर इस प्रोसेस को कंप्यूटर से घर बैठे ऑनलाइन ही करना चाहते हो तो इस वीडियो आपके लिए ही है। गवर्नमेंट ने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है, जिस वेबसाइट के थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का टिकट बुकिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पीजी आउटडोर टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद सिंपली इधर आपको सर्च करना है पीजी आउटडोर टिकट करके। सर्च करते ही आप देख सकते हो कि बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है। इसमें देखिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम करके एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अदरवाइज मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते हो। तो फिलहाल मैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर इधर वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए सिंपली आपका मोबाइल नंबर इधर एंटर करना होगा। तो मैं मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपका मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इधर एंटर करना है। तो मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी को एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि इधर सबसे पहले हॉस्पिटल नेम मांग रहा है कि आपका हॉस्पिटल नेम क्या है। तो मेरा हॉस्पिटल का नेम है SSKM हॉस्पिटल एंड IPGMER, ओके, जो एक कलकत्ता का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ओके, आप इधर अब देख सकते हो कि इधर बहुत सारा हॉस्पिटल है, आप इस हॉस्पिटल का भी टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हो। तो फिलहाल मैं SSKM हॉस्पिटल को चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद इधर देखिए एक विजिट डेट करके ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते ही देखिए आप कौन सी तारीख को डॉक्टर दिखाने वाले हो और अपॉइंटमेंट लेने वाले हो, तो उस डेट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल मंडे 30 जनवरी को दिखाऊंगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही देखिए डू यू वांट टू क्रिएट हेल्थ आईडी, अगर आप हेल्थ आईडी क्रिएट करना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो कर देते हैं। उसके बाद देखिए इधर पेशेंट का नेम देना पड़ेगा कि पेशेंट कौन है, कौन दिखाने वाला है। तो मैं मेरा पेशेंट का नेम इधर एंटर कर देता हूँ। पेशेंट का नेम देने के बाद देखिए इधर जेंडर भी चूज करना होगा, तो मैं जेंडर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए मैंने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन किया था, इसलिए ऑटोमेटिक मेरा मोबाइल नंबर इधर शो कर रहा है। उसके बाद इधर एज, आपका जो भी एज होगा, अगर आप किसी भी पेशेंट का ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो पेशेंट का जो एज है इधर एंटर करना होगा। देखिए मंथ, डेज, ईयर, सबका मंथ ईयर ईयर नहीं रहता है, इसलिए मैंने सिर्फ ईयर्स दे दिया है। ओके, उसके बाद देखिए इधर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों देने के लिए बोल रहा है। तो कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया सिलेक्टेड है एंड स्टेट भी सिलेक्टेड है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेता हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट हुगली है, तो मैं हुगली को चूज कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। उसके बाद देखिए इधर मैं पीएस को चूज कर लेता हूँ, मेरा पीएस चंडीतला है, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। उसके बाद इधर आपका जो भी एड्रेस है इधर फिल करना होगा, तो मेरा एड्रेस में छोटा सा एड्रेस दे देता हूँ, आपका जो भी एड्रेस होगा आप इधर दे सकते हो। इसके बाद देखिए पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड है इधर एंटर करना होगा, तो मैं मेरा पिन कोड दे देता हूँ। पिन कोड देने के बाद देखिए इधर एक ऑप्शन है ओपीडी, इसका मतलब होता है कि आप कौन सी डिपार्टमेंट में डॉक्टर दिखाना चाहते हो, तो इसको मैं सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए बहुत सारा डिपार्टमेंट है, आप जिस भी डिपार्टमेंट का टिकट बुक करना चाहते हो ऑनलाइन, उस डिपार्टमेंट को इधर से चूज करना होगा। अगर आपको ओपीडी समझ में नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिएगा कि मेरा ओपीडी क्या, मैं इधर चूज करूँ। ओके, तो मैं एक ओपीडी ऐसे ही चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद देखिए उस डेट में कौन सी डॉक्टर है वो भी इधर शो करेगा, ठीक है। अगर आप कोई और डॉक्टर दिखा रहे थे तो आप इधर से चूज करके भी देख सकते हो कि कौन सा डॉक्टर आप दिखा रहे थे। ओके, उसके बाद आप इधर अपना आधार नंबर दे सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। तो फिलहाल मैं मेरा आधार नंबर दे देता हूँ। आधार नंबर देने के बाद देखिए इधर सेव करके एक ऑप्शन है, इसको सेव करते ही आपका जो टिकट है वो आ जाएगा, तो मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करते ही आप देख सकते हो कि मेरा जो टिकट है वो आ चुका है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। देखिए ये जो टिकट है, ओके,
ऐसे ही सिंपल तरीकों से आप कलकत्ता का जो SSKM हॉस्पिटल है एंड अदरवाइज बहुत सारा हॉस्पिटल है जिसका टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा चैनल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।